हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं वर्षा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लेके आऊँ यहाँ पे ये बुलेट ट्रॉप। बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड थी भाई, मतलब आपके लिए जब से मैंने इसको एक्सपो में दिखाया है ना, भर भर के कमेंट आ रहे भाई बुलेट की वीडियो कब लेके आ रहे हो। तो फाइनली ये बुलेट की वीडियो है। और अगेन इसका जो नाम आप सुन रहे हैं ना, बुलेट टॉप, बहुत सुना होगा आपने लेकिन कभी देखा नहीं हो। तो आज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा क्या है इसके अंदर फिट और कैसे चलता है ये क्वालिटी वाइज। और अगेन हर एक चीज़ में बारीकी में जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे भाई टेस्टिंग जरूर देख के जाना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुलेट अप होता क्या है और कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जो कि बुलेट है वो इसका नाम इसके क्वालिटी से रखा गया है। अब बुलेट से सीधे आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बुलेट बाइक होती है, अब आपको मालूम है कि बुलेट यानी उसमें पटाखा छूटता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, ऐसे ही यहाँ पे इसका नाम भी बुलेट रखा गया है कि इनकी जो आवाज़ की क्वालिटी है, वह कह लीजिए जो थ्रो है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाउड मिलता है। किसी भी एक डबल 15 टॉप का ले लीजिए, डबल 12 टॉप का ले लीजिए, फिर डबल 12 के लाइनरे ले लीजिए। और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे इस हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है, इस हिसाब से इसको बनाया गया है कि यहाँ पे सिर्फ ये हाई मिड का काम करे लेकिन जो इसकी क्वालिटी हो या आउटपुट हो वो बिल्कुल बुलेट जैसी हो। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और कैसे कैसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ये एक आपको मॉनिटर टाइप का साइज देखने को मिलता है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दो पोर्शन देखने को मिलेंगे। अब ये आपको ऐसा लग रहा है बस यही लगा हुआ है, नहीं, इसके पीछे आप देख लीजिए यहाँ पे स्पीकर्स को लगाया गया है। और ये यहाँ पे 12 इंचेस का यानी 12 इंची का जो यहाँ पे स्पीकर फिट करा गया है, ये आगे इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, ये बेसिकली फाइबर का होता है और इसको ही देख के ज़्यादातर जो है वो बुलेट जो है वो नाम इसका रखा गया है। बाकी ओवरऑल ये पूरा फाइबर का रहता है, ठीक है ना। ये पूरा एलंकी बोल्ट से यहाँ से चारों तरफ से जो है वो टाइट रखा गया है। ये पोर्शन यहाँ पे बनाए गए हैं, यहाँ पे ग्रिप्स बनाए गए हैं ताकि आप पकड़ सके आसानी से। और इसका काम बेसिकली यही है कि ये जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको यहाँ पे फिल्टर करके जो कि आपको आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे एक प्रिसाइज क्वालिटी वाला आउटपुट मिले। दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, इसका ये हॉर्न हो जाता है। हॉर्न के पीछे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे मिलेगा एक एचएफ ड्राइवर। एचएफ ड्राइवर का जस्ट पीछे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये स्पीकर मिलेगा। और अगेन ये जो पोर्शन है ना, ये कैसे फिट करेगा यानी स्पीकर्स कैसे फिट करेगा, आप तो यहाँ पे आपको सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे साइड से दिखाता हूँ। तो यहाँ हम साइड से जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक हल्का सा जॉइंट दिया गया है कि ये खैर आपको नजर नहीं आओ इतना, मतलब फिनिशिंग ऐसे हिसाब से करी गई है। ये एक जो है ना, ये मेटल की प्लेट यहाँ पे जॉइंट करी गई है। तो ये दो पोर्शन को जो है ना वो यहाँ पे ये जॉइंट करके रखता है और इसकी मजबूती के लिए यहाँ पे इसलिए ये मेटल प्लेट भी यूज में लिया गया है। बाकी आप इसके हैंडल की कटिंग आप देख लीजिए यहाँ पे, ये कैसे हैंडल की कटिंग करी है ताकि आपके पूरे जो कि फिंगर्स हैं यानी अंगूठे हैं ये पूरे इस पर बैठ जाए आराम से। इसके अलावा यहाँ पे जो कि आप इसको फिटिंग भी करना चाहें इंस्टॉलेशंस के अंदर या फिर कहीं आपने अच्छे से मतलब ऊपर करके आपको लगाना है, क्योंकि अगेन ये काफ़ी लाउड होता है, काफ़ी क्रिस्पी इनके साउंड होती है। तो यहाँ पे इसलिए एक्सेसरीज भी इसमें दी गई हैं। साथ ही साथ पीछे आप देख लीजिए, अगेन यहाँ पे आपको SLV की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये आपको दो स्पीकर सॉकेट्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिया गया। और ये दो आपको यहाँ पे पीछे भी हैंडल्स मिल जाते हैं। और अगेन यहाँ पे जो क्वालिटी है वो पेंट की आप देख लीजिए, पेंट अगेन यहाँ पे पूरा सेंटेक्स पेंट करा गया, स्क्रैचलेस पेंट होता है। और मजा सा आ गया मतलब देख के कि हाँ भाई ये इसके साथ में कुछ अलग काम करा गया। और इसका डिज़ाइन ही आप देख रहे हैं मतलब बिल्कुल हर चीज़ को शार्पनेस ही बनाई गई है ताकि जो क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस हो, वो अगेन यहाँ पे बढ़ के हो। खैर ये तो चीज़ मैंने आपको दिखाई यहाँ भाई बुलेट टॉप कैसा होता है और इसका नाम क्यों रखा गया है बुलेट। बाकी अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्पीकर है, एक हमारा 12 इंची का यहाँ लगा है, दूसरा 12 इंची का यहाँ पे लगा है, साथ ही साथ एक ये HF मिल जाता है। तीनों ही ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मीडियम रहने वाले हैं। और दूसरा इनके जो पावर है 600+600 और यहाँ पे 125 वाट का जो है HF आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए यहाँ पे भाई इसके साथ तो फ्लैट केस भी आता है, उसकी भी क्वालिटी हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे हम टेस्टिंग। तो अभी तक आपने देखे कि हाँ ये बुलेट टॉप आपको कैसे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये आते हैं विद फ्लैट केस। तो फ्लैट केस आप यहाँ पे देख लीजिए, इनके ये दोनों के फ्लैट केस रहेंगे इसके। और फ्लैट केस की भी क्वालिटी जो रहती है ना, वो अगेन यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के ही फ्लैट केस रहेंगे। ये कंपनी से ही पूरा यानी आप कह लीजिए फ्लैट केस लीजिए, पूरा टॉप लीजिए, कंपनी से ही कंप्लीट होके आता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत है। ओवरऑल फ्लैट केस में आप देख सकते हैं ये बटर लॉक्स आपको मिल जाते हैं नीचे, ये हैंडल्स आपको चार मिलेंगे इसके अंदर, एल एम पूरा हाई क्वालिटी के अंदर यूज़ में लिया गया है। टेक्सचर वाला जो है वो यहाँ पे सनमाइका का जो है वो यूज़ में लिया गया, टेक्सचर वाला जो है वो सनमाइका में से कहते हैं। ये तो था फ्लैट केस का डिटेल। फिलहाल में अभी हम चलते हैं टेस्टिंग की तरफ और टेस्टिंग पे देखते हैं क्या क्या हमें जो है वो यूज़ में लेने वाले हैं इसके साथ में, बुलेट स्टॉप्स के साथ में। और पर्सनली जितना मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है ना, इसके साथ में आप कितनी भी तगड़ी बेस लगा लो ये हमेशा ऊपर ही रहते हैं। अगर दोस्तों बात करूँ यहाँ पे हमारे टेस्टिंग के लिए, तो ये दोनों बुलेट स्टॉप जो हैं वो लग चुके हैं। अभी तक आपको सारी डिटेल्स जो है वो बिल्कुल डिटेल में मिल चुकी होंगी। फिलहाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ना कनेक्शंस की बात करूँ तो ये एक्चुअल में 4 ओम्स के हैं, तो मुझे कोई पैच करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं इसके लिए सेपरेट एक एम्पलीफायर दे रहा हूँ, डबल चैनल का। बेस के लिए भी हम एक सेपरेट एम्पलीफायर दे रहे हैं, यानी टोटली हमारा 4 ओम्स पे जो है वो सिस्टम यहाँ पे रन हो रहा है। और चलिए यहाँ पे तो ये है बेस हमारे लगे हैं नीचे, और ये हमारे ब्लू टॉप्स लगे हैं। फिलहाल में मैं आपको एम्पलीफायर दिखा देता हूँ कि हाँ भैया मैं एम्पलीफायर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और मैं कौन सा आपको भी रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे एक CA20 हमने दे रखा है बेस के लिए दे रखा है, CA12 हमने ये एरो यानी हमारे जो बुलेट स्टॉप्स हैं उस पर डाला हुआ है, फुल वॉल्यूम करा हुआ है। सजेशन मेरी तरफ से ये है कि हमेशा जब भी आप बुलेट स्टॉप यूज़ करें तो यहाँ पे ये क्रॉसओवर ज़रूर यूज़ कर लीजिए। ये मैंने क्रॉसओवर के अंदर सेटिंग करी हुई है फिलहाल में, ये यहाँ पे सॉरी इसको 0 ही रखना है। ये इनपुट गेन एंड आउटपुट गेन आपने 0.0 dB पे ही चलना है, ठीक है ना, इस बात का याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे लो मिड हाई ये सब कुछ आप देख सकते हैं कितना कितना मैंने यहाँ पे ये लो का मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ से मिड से आपको करना है। एक्चुअली इसका कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये वाला जो है ये नोब, अभी हम इसमें टर्बोस ऑडियो का ही यहाँ पे क्रॉसओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल बेस के लिए हमने यहाँ पे दे रखा है, इसको भी 0.0 dB पे ही मेंशन लेके चलना, ठीक है ना। ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कनेक्शन करे हुए हैं। बाकी यहाँ पे इस पर 2 एरे डले हुए, एक चैनल पे इस पर एक पे है। बेस हम यहाँ पे एक्चुअल पैलरी मोनो ही चलाना है, मिक्सर बेस को अगर क्वालिटी निकालना है तो मोनो करके चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। प्लेयर जो है वो हमारे यहाँ पे लगा है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप से जो सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा रेडी है। तो चलिए मैं आपको जो है वो अभी एक टेस्टिंग दे देता हूँ बेहतरीन सी, और देखते हैं जल्दी से। Why not telling yourself?
कैसे लगे टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बाकी ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बेस की पावर रेटिंग की बात करूँ तो 4000 प्लस 4000 वाट का यहाँ पे बेस हमने इसके साथ में लगाया हुआ था, डबल 18 की बेस थी वो। और ओवरऑल यहाँ पे इससे पहले भी मैंने एक 21 इंच के साथ में बेस के साथ में इसको कनेक्ट करवा थे लगाया हुआ था, वाकई में मुझे कोई भी आउटपुट में यानी बेस ऐसा लग रहा है कि मतलब हल्का पड़ जाएगा, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है ना वो अगेन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और लाउड थी। और बुलेट जैसे मैंने बताया ना, बुलेट जैसे ही काम करते हैं। अगेन यहाँ पे बात करूँ उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे बेहतरीन होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको आप रोड शो पे यूज़ पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे दो लाइनरे बाय नहीं करने हैं, यहाँ पे अगर आप लाइनरे पे शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ये चॉइस होने वाला है इसका क्वालिटी हो या फिर आउटपुट जो है वो उस हिसाब की आपको मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे दो बेस या फिर दो टॉप का सिर्फ एक छोटा सा मिनी सेटअप जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं सिर्फ रोड शो के लिए, तो मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इसके साथ में डीजे, फ्लो डीजे हो गया, या फिर आपको इंस्टॉलेशन पे या फिर हैवी इंस्टॉलेशन, या फिर आपके पास खुला कोई ग्राउंड है वहाँ पे आपको थ्रो ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे लाउड एंड क्रिस्प साउंड चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बस बेस का ध्यान रखना कि भाई बेस तगड़ी होनी चाहिए। बाकी अवेलेबिलिटी के लिए कहां से आप इसको बाय कर सकते हैं तो यहां पे आपको एक नंबर शो होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा तो वहां से भी जाके जो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। और ओवरऑल दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अच्छी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।